सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। मेरे आगजे एस भाई बहनों, आज शुरू हो रहा है मकर संक्रांति का त्यौहार। लोहांडी पंजाब से हम ने 40वें अमृत गाथा में इशाक हुसैन इशाक खान साहब से अपने भाई से इस त्यौहार की, मकर संक्रांति त्यौहार की जानकारी लेकर समझकर निश्चय के अनुसार हम आज त्यौहार मनाने जा रहे हैं। और इस अवसर पर मैं अपने समस्त भाई बहनों का वंदना करता हूँ, नमन करता हूँ। यह कार्यक्रम में आप सब अब अपने भाई सक्षम से भौगोलिक स्थिति के अनुसार, ब्रह्मांड की पिंडों की स्थिति के अनुसार पृथ्वी पर संक्रांति त्यौहार का वैज्ञानिक रहस्य भी जानिए। माय नेम इज सक्षम एंड टुडे आई विल टेल यू अबाउट मकर संक्रांति। मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 जनवरी एवरी ईयर। Makar Sankranti is the Hindu festival celebrated all across the country to mark the first day of sun transition to Capricorn, which means midwinter will end and duration of daytime will increase. Afterwards, Makar Sankranti is celebrated with different names like Pongal in Tamil Nadu, Sukrat in Bihar and Jharkhand, Porch Parban in Bengal and Uttarayan in Gujarat. It is the only festival which has been observed as per the solar cycle. While rest of the Indian festivals are set according to the lunar cycle of Hindu calendar. Makar Sankranti comes under solar month of Makara and lunar month of Magha as per the Hindu calendar. On the day of Makar Sankranti, people fly kites under the sun to celebrate the festival in many parts of India. As per the part of important spiritual practice, on the day of festival, people take holy bath in rivers for absolution of sins. Every 12 years, Kumbh Mela, a mass pilgrimage of belief, is organized, and on the day of Makar Sankranti, millions of people go to Prayag for the bath and offering of prayers to Lord Sun. अब मैं अपने दादा से निवेदन करता हूँ कि वो हमें सकारात्मक ऊर्जा दे। जय हिंद। वंदे मातरम। मेरे आर्यस भाई बहनों, आपके परिवार के युवा सदस्य सक्षम के आकांक्षा को पूर्ति करने के लिए मकर संक्रांति के राष्ट्रीय त्यौहार की सफलता के लिए मैं शांति पाठ और शांति म्यूजिक के साथ कर रहा हूँ। ओम तत्सवितुर्वरुणरूपम् ज्योतिपरस्य धीमहि धियो
वंदे मातरम ज्योति पगश दीमहि येन सत्येन दीपये ॐ तत्सवितुर्गगनरूपं ज्योति पगश दीमहि येन सत्येन दीपये। मेरे भाइयों, आप आज की सकारात्मक ऊर्जा इस म्यूजिक से लेंगे, क्योंकि अब आज के दिन से हमारा अंधकार घट रहा है और प्रकाश की काल बढ़ रहा है हमारे पार्थिव जीवन में। इसका पूर्ण लाभ लेने के लिए आप म्यूजिक ध्यान कीजिए, ये मेरा आग्रह है और मेरी कामना है कि हमारा आज का त्यौहार सफल होगा, राष्ट्र हित में होगा, वैश्विक हित में होगा और सालों तक ये चलेगा अगले मकर संक्रांति तक। फिर से हम नई ऊर्जा से पुनः आगे चरे बेटी चलते रहेंगे। जय हिंद। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए, ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए, RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।